अदानी समूह पर लगे आरोपों की जांच के लिए आम आदमी पार्टी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में भी गोपाल राय की अगुवाई में प्रदर्शन चल रहा है। गोपाल जी, क्या मांगे आपकी? देखिए, पूरे देश की एक ही मांग है, जिस तरह से अडानी के ऊपर तीन तिकड़म का घोटाले का आरोप लगा है, जो सारी चीजें सामने आ रही हैं, पूरा देश एक ही मांग कर रहा है कि इसका ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच होनी चाहिए। ये तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार रोकने की बात करने वाले आज अडानी का नाम सुन करके जांच से क्यों भाग रहे हैं। इसीलिए प्रदर्शन हो रहा है। पहले आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को संसद में उठाया और अब सड़क पे उतरे हैं। नहीं, एक ही बात है, सड़क पे उतरेगी, लोगों को गांव-गांव तक आवाज पहुंचेगी, क्योंकि देश आर्थिक संकट में जूझ रहा है और ऐसे में इतना बड़ा घोटाला और उसको जांच से छुपाना, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए जितने भी देशभक्त हैं, देश से मोहब्बत करते हैं, सबकी एक ही मांग है, इसकी जांच कराई जाए। गोपाल जी, अभी से घोटाला करार देना सही है क्या? नहीं तो जांच तो कराना पड़ेगा ना, जांच तो कराना। पक्ष भी रखा है अडानी समूह ने। नहीं तो जांच होने से क्या प्रॉब्लम है? भाजपा तो एक ही बात कहती है कि हर चीज की जांच होनी चाहिए, इसकी जांच क्यों नहीं करना चाहती? आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? संसद में उठाया आपने, सड़क पे भी लिया, अगला कदम? इसका कदम यही होगा, लोगों के बीच तक इस आवाज को पहुंचाएंगे। बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीरें दिखाऊं तो मैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हूं और यहां पर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं वहां पर मौजूद हैं। और ये देखिए, देश में कई जगह पर आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार इस मांग को लेकर कि इस मामले की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जो है जांच कराई जाए, इस मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रही है। पहले बात को पार्लियामेंट उठाया गया, अब सड़क पर उतरी है और मांग वही है कि इन आरोपों की जांच जो है वो कराई जाए, उसके लिए बाकायदा JPC में इस मामले को उठाया जाए। अमित के साथ जितेंद्र भाटी, विनय भातोष, दिल्ली।